हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिग्नल सिस्टम में बेसिक सिग्नल के थ्रू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को समझेंगे। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का दूसरा नाम यूनिट इंपल्स फंक्शन भी है। ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। मतलब अगर देखेंगे तो सिग्नल सिस्टम को मैथमेटिक्स से अलग करने वाला यही फंक्शन है। सिग्नल सिस्टम में जितने भी सिग्नल पढ़ रहे हैं और फंक्शन पढ़ रहे हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर फर्क लाता है तो यही डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन फर्क लाता है। तो इसके बारे में, इसके मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है और इसकी वैल्यू ऐसी क्यों ली गई, कुछ स्पेशल टाइप की वैल्यू इसको इसकी ली गई है, इसके डिटेल में इसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं। अगर बेसिक इसकी वैल्यू को देखें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टी से, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के थ्रू। ज्यादा कंफ्यूजन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में ही है। डेल्टी की वैल्यू नॉर्मली हम लिखते हैं 1 टी इक्वल टू 0 पे, 0 अदरवाइज। और इसकी प्लॉटिंग अगर करते हैं तो डेल्टी हम प्लॉट करते हैं टी इक्वल टू 0 पे 1 है, ऊपर एरो दे देते हैं। एरो इसलिए देते हैं ऊपर क्योंकि इसका लेंथ जो होता है इनफिनिटी तक का होता है। नॉर्मली जो किसी भी फंक्शन का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी हाइट, मतलब x नॉट पे जो ये हाइट है यही आपका f x नॉट होता है। हाइट ही उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये वन जो है ये हाइट नहीं है, ये एरिया है। अगर हाइट की बात करें तो डेल्टी की हाइट जो होती है, डेल्टी की एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू को देखें तो डेल्टी की वैल्यू डेल्टी इक्वल टू इंफिनिटी होती है टी इक्वल टू 0 पे, मतलब हाइट इसकी इंफिनिटी होती है 0 अदरवाइज। और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टी डीटी इक्वल टू 1 होता है, मतलब टोटल एरिया कवर्ड बाय डेल्टी 1 होता है। एक गेटवे प्रॉब्लम आया था जिसमें एक चॉइस ए वाला भी था और दूसरे चॉइस में ए वाला भी था। उस केस में जब दोनों के बीच चॉइस करने की थी बात, तो ए वाला आंसर आपका राइट होता। लेकिन हम नॉर्मली यूज करते समय कहीं भी डेल्टी की वैल्यू 1 लिखते हैं, टी इक्वल टू 0 पे 0 अदरवाइज। लेकिन इन दोनों में करेक्ट कौन है, तो नीचे वाला करेक्ट। इसकी हाइट इंफिनिटी होती है और टोटल एरिया 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड में इसके हाइट को ना देखकर टोटल एरिया को मैग्नीट्यूड में क्यों लिखते हैं, अजीब सी बात है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ऐसा क्यों लिखा गया कि इसके में मैग्नीट्यूड में हाइट नहीं लिखकर एरिया को लिखा गया, इसके पीछे का क्या तर्क है, इसके पीछे क्या रीजन छुपा हुआ है, इसको हम आज समझेंगे। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो इंपल्सिव टाइप के होते हैं। जैसे जैसे कि हम देख लें, आपको कोई एक्सीडेंट होता है, रैंडम एक्सीडेंट होता है, बहुत छोटे समय में, मिनिमम टाइम में, छोटे से टाइम इंटरवल में लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग जाता है आपको। जैसे देख लें कि बिजली कड़कती है, आपका बिजली अगर कोई कड़कती है तो वहाँ हाई वोल्टेज का क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसका इम्पैक्ट जो होता है बहुत माइन्यूट होता है, छोटे से समय के लिए होता है, 0.002 सेकंड के लिए वो बिजली उतनी हाई वोल्टेज का क्रिएट होता है, बहुत छोटे समय के लिए इम्पैक्ट होता है। इसलिए उसका नुकसान भी होता है, बहुत कम होता है। अगर कोई बिल्डिंग पे अगर बिजली गिरती है तो बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा टूटता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ज़्यादातर पेड़ वगैरह पे गिर जाता है और कैजुअलिटी भी कभी कभार होती है, एक दो डेथ भी होता है। अब उस बात को हम समझेंगे कि जो हाई वोल्टेज उसमें क्रिएट होता है बहुत छोटे समय के लिए क्रिएट होता है, लगभग अप्रॉक्सिमेट 3 लाख वोल्ट उसमें क्रिएट होता है। 3 लाख वोल्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, 33,000 वोल्ट का भी कोई वायर अगर जा रहा है तो वहां गनगन आवाज आती है, आसपास से खींच लेता है। 3 लाख वोल्ट का अगर वायर में जा रहा होगा तो कम से कम 4 मीटर 5 मीटर दूर से
आप अगर हैं और 3 लाख वोल्ट जा रहा है तो आपकी जिंदा रहने की संभावना नहीं है, 3-4 मीटर दूर से भी है। तो इतना हाई वोल्टेज ये क्रिएट करता है और बहुत कम टाइम के लिए करता है, 0.002 सेकेंड के लिए करता है। चूंकि ये बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ये क्रिएट होता है हाई वोल्टेज, जब बादल कड़कते हैं, दो बादल आपस में टकराते हैं तो वहां हाई वोल्टेज क्रिएट होता है और वो धरती पे गिरता है अर्थ ले। अब ये छोटे से इंपैक्ट में है इसलिए इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। अब आप देखिए कि अगर एक इससे कम वोल्ट होता, मान लिया 3 लाख वोल्ट नहीं होकर 1 लाख वोल्ट ही होता है और 0.002 सेकेंड नहीं होकर 2 सेकेंड तक होता, 5 सेकेंड तक होता, तो ये वाला ज्यादा इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है या इसका इंपैक्ट ज्यादा होता? अब ये 2 सेकेंड तक है, 1 सेकेंड तक अगर 1 लाख वोल्ट ही गिर रहा है, 5000 वोल्ट ही आ रहा है तो ज्यादा नुकसान करेगा बनिस्पत के इस पे। तो ऐसे इंपल्सिव सिग्नल में, ऐसे इंपल्सिव इवेंट में जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो तो मायने रखता ही है, लेकिन जितना मायने वैल्यू रख रहा है उतना ही मायने इसका इंपैक्ट भी रख रहा है। कितने देर तक उस इवेंट का, उस पार्टिकुलर फोर्स का, उस पार्टिकुलर वोल्टेज का इंपैक्ट रहा है वो भी उतना ही मायने रखता है जितना उसकी वैल्यू है, जितनी उसकी हाइट है। मतलब 3 लाख वोल्ट अगर 0.002 सेकेंड तक रह रहा है उसका इंपैक्ट 1 लाख वोल्ट 2 सेकेंड तक रह रहा है उसका इंपैक्ट से कम है। मतलब इस वाले का इंपैक्ट ज्यादा होगा, इस वाले का इंपैक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा डैमेज करेगा। तो इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ कितने देर तक इसका इंपैक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कितने देर तक ये रहा, एक्स एक्सिस पे इसका इंटरवल कितने देर तक है वो भी मायने रखता है। तो यूनिट इंपल्स क्रिएट कैसे करते हैं देखिए, इसका जो भी है ना हाइट मान लिया एल है और एक इसका इंपैक्ट डेल्टी टाइम इंटरवल तक का है, इसका मैग्नीट्यूड आप हम क्या लेते हैं एल इंटू डेल्टी, एल इंटू डेल्टी, डेल्टी टाइम्स टू जीरो, डेल्टी बहुत छोटे इंपैक्ट के लिए करते हैं। अब ए डेल्टी अगर इसको छोटा करते जाएंगे, एल इंटू डेल्टी अगर ना यूनिट इंपल्स लिखना है तो एल इंटू डेल्टी इसका टोटल एरिया हमें 1 लेके चलना पड़ेगा। तो अगर जैसे ही अगर टोटल एरिया 1 रखना है, डेल्टी को छोटा करेंगे तो नेचुरल सी बात है लेंथ आपका बढ़ेगा, और छोटा डेल्टी करेंगे तो लेंथ आपका और बढ़ेगा। तो यूनिट एरिया को अगर 1 रखना है, अगर डेल्टी 0.002 है तो लेंथ आपका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1 लाना है। डेल्टी और छोटा करेंगे तो लेंथ को और बड़ा इंफिनिट करना पड़ेगा, तो डेल्टी एकदम हम अप्रॉक्स को 0 ले लेंगे तो लेंथ आपका क्या होगा इंफिनिटी हो जाएगा, वही आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का मतलब इसी केस में इसका एरिया को 1 कांस्टेंट रख के डेल्टी टाइम इंटरवल को टेंस टू 0 कर दें तो हाइट लेंथ जो होगा टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। व्हेन डेल्टी टेंस टू 0 एल टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट इंपल्स फंक्शन क्रिएट होता है, ये आप समझ गए। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, पहली प्रॉपर्टी होती है डेल ए टी इक्वल टू 1/mod a डेल टी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है एक्स टी माइनस इनफिनिटी एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट एक्स टी नॉट होता है।
ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको करना है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी साइन टी डेल टी माइनस पाई बाई टू डी टी की क्या वैल्यू होगी, क्या निकाल सकते हैं, एक्स टी में टी इक्वल टू टी नॉट पुट हो जाएगा, मतलब साइन टी में टी इक्वल टू पाई बाई साइन पाई बाई और डेल्टी की प्रॉपर्टी करेंगे तो ना थर्ड माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल्टी की वैल्यू, डेल्टी का इंटीग्रेशन वन होता है, और अगर देखेंगे तो टी वन से टी टू डेल्टी माइनस टी नॉट डी टी इक्वल टू वन होता है। अगर टी नॉट टी वन से टी टू के बीच लाई कर रहा है तो टी नॉट T1 से T2 के बीच लाई कर रहा है तो वन होगा, और T0 इस रेंज के बाहर है तो जीरो जीरो अदरवाइज। सेम केस होगा जब XT से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 टू T2 XT डेल T माइनस T0 DT इक्वल टू होगा XT0 जब टी नॉट टी वन से टी टू के बीच लाई कर रहा है और जीरो अदरवाइज। कन्वोल्यूशन भी आप जानते हैं, एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ डेल टी माइनस टी नॉट एक्स टी माइनस टी नॉट होता है। लैपलास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इक्वल टू वन होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ए टी इक्वल टू वन बाई मॉड ए होता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप चाहें तो लिख सकते हैं। माइनस इनफिनिटी टू टी डेल्टा डीटा इक्वल टू यू टी होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, आगे देखेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में। एक्स टी इंटू डेल टी माइनस टी नॉट इक्वल टू होता है एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट, सिंपल मल्टीप्लाई में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर एक्स टी इंटू डेल टी करना है तो ये हो जाएगा एक्स जीरो डेल टी, एक्स जीरो मतलब एक्स टी सीधे हट जाएगा। टी माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टी में फाइव पुट कर देंगे, टी इक्वल टू एक्स फाइव डेल टी माइनस फाइव हो जाएगा डायरेक्ट, ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम केस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में इसको डेल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एन इक्वल टू वन होता है, इक्वल टू जीरो के लिए, जीरो अदरवाइज होता है। प्लॉट भी करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डेल एन एन इक्वल टू जीरो पे वन होता है, ये वैल्यू डिस्क्रीट में होती है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, तो डिस्क्रीट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उम्मीद है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का बेसिक्स आप समझ गए होंगे, इसके और आगे एडवांस प्रॉपर्टी आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बेसिक सिग्नल के बारे में जानेंगे, फिर ऑपरेशन और सिग्नल करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाने का कष्ट करेंगे।